माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आलू शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी बनाने वाली हूँ। ये सब्जी अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो इस तरीके से बनाइए, बच्चे बहुत ही चाव से खा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। शिमला मिर्च को अच्छे से धो दिया है और इसके बाद मैंने ऐसा काट लिया है। आलू एक बड़ा वाला लिया है, इसे भी मैंने अच्छे से धो दिया है और इसे भी मैंने मीडियम मीडियम काट लिया है। यहाँ पर मैंने चॉपर में प्याज, एक बड़ा टमाटर, 3-4 कली लहसुन की, 2 हरी मिर्च और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, इन सबको दर दराज सा मैंने काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है। ये कढ़ाई लोहे की है, इसीलिए इसका कलर आपको ऐसा दिख रहा है, इसे माइंड मत कीजिएगा। इसमें मैंने तेल रखा है, तेल जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर हमें शिमला मिर्च को डाल के इसे थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। आप इस तरीके से सब्जी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है। तो चलिए अभी इसके अंदर हम शिमला मिर्च को डाल देते हैं। शिमला मिर्च को हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है, इसका कलर थोड़ा सा बदली हो जाएगा तभी हमें इसे तेल में से निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, शिमला मिर्च अभी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसे मैंने फ्राई करके ले लिया है। अभी इसमें से सारा ऑयल निकल जाएगा, इसके बाद मैं इसे अलग बर्तन में ले लूंगी। और नीचे मैंने आलू को भी फ्राई करने के लिए रख दिया है, तो आलू को भी हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। तो आलू को भी मैं इसी तरह से ऑयल पूरा निकल जाए उसके बाद ही इसे एक अलग बर्तन में रख लूंगी। तो चलिए मैं अभी आलू को फ्राई करके ले लेती हूँ। आलू और शिमला मिर्च हमारे फ्राई होके तैयार हो चुके हैं, तो अभी सब्जी हम बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने सेम कढ़ाई ले ली है और उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसे निकाल दिया है और थोड़ा सा ही ऑयल इसमें रखा है। और ऑयल जैसे ही गर्म होता है इसमें राई और जीरा डालना है, हींग पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देना है। और इसके बाद जैसे ही राई जीरा फूट जाए हमें इसके अंदर जो हमने प्याज टमाटर का मसाला तैयार किया था उसे डालना है और थोड़ी देर के लिए हमें भून लेना है। अभी हमें इसमें सूखे मसाले डालने हैं, जैसे कि 1.5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। और इन सारे मसालों को हमें प्याज टमाटर के साथ बहुत ही अच्छे से पका लेना है जब तक इसमें से ऑयल अलग ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। तो जो हमने आलू और शिमला मिर्च को फ्राई करके रखा था उसे हमें इस मसाले के अंदर डालना है और इसे बहुत ही अच्छे से मिला देना है और थोड़ी देर के लिए इसी तरह से चलाते हुए इसे पका लेना है ताकि मसाला अच्छे से आलू शिमला मिर्च में मिक्स हो जाए। और अभी हमारी सब्जी जो है वो अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है, तो हमें अभी गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और ये टेस्टी वाली यम्मी वाली सब्जी हमारी बनके तैयार है, आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी। इसे आप टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हो, हस्बैंड को टिफ़िन में दे सकते हो, डिनर में, लंच में कभी भी एंजॉय कर सकते हो फ्रेंड्स। और बच्चे अगर शिमला मिर्च नहीं खाते हैं ना तो इस तरीके से बना के उन्हें खिलाइए, बहुत ही टेस्टी वाली शिमला मिर्च की सब्जी तैयार होती है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।